तो आज सुबह मैं अपने घर में घोड़े बेच के सो रहा था कि तभी मुझे एक चीज की हलचल सुनाई देने लगती है, जिसकी आवाज मेरे कानों के बहुत ज्यादा करीब आने लगती है। तभी ना कैसे उस चीज की एंट्री हो जाती है जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तभी एक आदमी मेरे घर की ओर बढ़ने लगता है और जैसे वो मेरे घर के पास आता है तो मेरे घर की घंटी बजाने लगता है। तो घंटी की आवाज सुनने के बाद ना मेरी नींद खुल जाती है और मैं जाकर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है ये तो एक डिलीवरी बॉय है। अब ये यहाँ पे क्यों आया ये तो मुझे पता नहीं। तो जैसे मैं इससे पूछता हूँ तो ये कहने लगता है, सर आपकी जो इंडियन कार की एक्सपोर्टिंग थी वो फाइनली हो चुकी और आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो आपके बैक यार्ड पर खड़ी हैं और मैं उसकी डिलीवरी करने आया हूँ। सर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? तो गाइस इसकी बात सुनने के बाद तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काय की डिलीवरी करने आया है। तो ऑलराइट गाइस आप लोग का स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड में। तो आप लोग को एक छोटा सा रीकैप बता देता हूं अपने पिछले एपिसोड का कि कैसे हमने गाड़ी को परचेस करा था शिपयार्ड से और उसको लाके यहां पे सोल्ड कर दिया था। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो ऑलराइट गाइस बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो गाइस आज ना हम लॉस सैंटोस के सबसे बड़े डीलर के पास जा रहे हैं, क्योंकि मुझे दो दिन पहले उस डीलर का कॉन्टेक्ट नंबर मिला था। उससे कॉल पे बात होने के बाद ना उस डीलर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड करूंगा तो तुम वहाँ पे आ जाना। तो आज ना हम लोग उसी डीलर से मिलने जा रहे हैं। तो गाइस मैं तुम लोग को बता दूं कि उस डीलर की इतनी मार पकड़ है कि वो इंडिया से भी गाड़ियों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाता है। तो मैं भी इंडियन कार को यहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, तो यार इस वजह से मैं उस डीलर से मिलने जा रहा हूँ। और अगर हमारी डील हो जाती है उस डीलर से तो यार मैं इतना सारा कैश भी लेके जा रहा हूँ अपने बैग में रख के। अगर हमारी डील सक्सेसफुली हो जाती है तो यार मैं ये पैसा उसको वहीं पे ही दे दूंगा। तो ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं इस वाली लोकेशन पर जहाँ पे उसने हमें लोकेशन ली थी। तो इधर उधर देखने के बाद भी यार यहाँ पर मुझे कोई दिख नहीं रहा कि यार वो डीलर इधर है कि नहीं है। तो यार मैं उसको एक बार कॉल करके फिर से पूछ लेता हूँ कि आकर हमें आना कहाँ है। तो ऑलराइट गाइस मेरी उससे बात हो चुकी है। तो यार उसने बोला है कि जहाँ भी तुम खड़े हो उसके बगल वाली गली है वहाँ पे तुम आ जाओ, वहाँ पे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो चलो यार चलते हैं उस वाली लोकेशन पर, शायद यही वो गली है जहाँ पर हमें जाना है। तो यार चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो डीलर है किधर। तो यार मैं जा रहा था कि इधर उधर देख रहा था, यहाँ तो कोई मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। इस वाली जगह पर कोई नहीं है और इधर देखा अरे यार ये खड़ा हुआ है वो डीलर। तो ऑलराइट गाइस हमें डीलर मिल चुका है, चलो फटाफट से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और इससे जाकर डील करते हैं। यार इस बंदे के पास तो रॉयल रोज भी है और साथ में ये दो बॉडीगार्ड भी लेके घूम रहा है। ये बॉडीगार्ड तो नहीं लग रहा है पर ये गुंडे जरूर हैं। तो यार यहाँ पे ना मैं इस बंदे से बात करने लगता हूँ। जैसे ही मेरी से डील क्रैक होती है तो यार मैं फटाफट से ऐसे निकल जाऊंगा, क्योंकि यार इसके जो गुंडे हैं जो कि मुझे बहुत गुस्से से देख रहा है। तो यार मैं इससे बात करने लगता हूँ कि यार जो गाड़ी है तो मुझे इम्पोर्ट करने वाले हैं उसमें कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है। तो यार ये बंदा मुझसे कहने लगता है कि उसमें कोई स्कैम नहीं है, तुम आसानी से मुझसे डील कर सकते हो। तो ऑलराइट गाइस मैंने इसको बैग दे दिया और फाइनली हमारी डील हो चुकी है। बिना सोचे समझे मैं फटाफट से अपनी बाइक उठाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ऑलराइट गाइस हमारी डील कंफर्म हो चुकी है और वो बंदा कह रहा है कि वो हमें एक हफ्ते के अंदर हमारी गाड़ियों को इम्पोर्ट करा देगा लॉस सैंटोस में। तो यार ये खबर सुनने के बाद ना यार मैं फाइनली बहुत खुश हो गया था। तो ऑलराइट गाइस हमारी गाड़ियाँ एक हफ्ते के अंदर लॉस सैंटोस में इम्पोर्ट हो जाएंगी। पर यार गाइस एक प्रॉब्लम है, वो बंदा मुझसे कह रहा था कि जो कंटेनर मैं आपको भिजवाऊंगा उस कंटेनर के अंदर से कोई भी गाड़ी आपकी किस्मत में निकल सकती है, मतलब कि उस कंटेनर के अंदर कोई सी भी इंडियन कार हो सकती है। तो गाइस एक हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि आखिर उस गाड़ियों में से निकलता क्या है। तो ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर के पास। तो यार फटाफट से मैं अपनी बाइक को लेके जाता हूँ घर पर, वहाँ पे इसको खड़ा करके निकल जाऊंगा सोने के लिए, क्योंकि दो तीन घंटे गाड़ी चलाने के बाद ना मेरे हाथ पर ज्यादा दर्द करने लगे थे। तो फटाफट से मैं अपने घर के अंदर जाता हूँ, जाकर सो जाता हूँ। तो ऑलराइट गाइस यार मुझे पता चल चुका है कि आखिर ये कंटेनर मुझे किसने भेजे है। तो ऑलराइट गाइस चलो देखते हैं कि आखिर उसने कितने कंटेनर है जो कि मुझे भेजे है। तो यार एक कंटेनर तो ये है और उसके आगे एक कंटेनर है और उसके आगे भी एक और कंटेनर है, तो उसके आगे दो और कंटेनर है, तो टोटल यार ये पांच ट्रक आए हुए हैं। तो थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि यार यहाँ तो पांच ड्राइवर भी खड़े हुए हैं जो कि इन पांचों ट्रक को लेके आए। तो यार इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये लोग इस कंटेनर को कहाँ पे अनलोड करने वाले हैं। तो गाइस यार इतने बड़े बड़े कंटेनर देखने के बाद ना मुझे लग रहा है आखिर इसके अंदर से कोई बड़ी बड़ी गाड़ी निकलने वाली है, हो सकता है इसके अंदर से कोई लग्जरी गाड़ी निकल जाए। तो यार मैंने फटाफट से सभी कंटेनर देख लिए। तो यार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि यार इसके अंदर से पता नहीं कौन
सी गाड़ी निकल जाए। फटाफट से अब इस कंटेनर को अनलोड करवाना है, तो इन लोग से पहले एक बार बात कर लेता हूँ कि इन गाड़ियों को कहाँ पर अनलोड कराना है। तो ऑलराइट गाइस, अब बारी आ चुकी इन गाड़ियों को अनलोड कराने की। A few moments later. तो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले इस कंटेनर से निकली मारुति की ऑल्टो, और दूसरे कंटेनर में से निकली मारुति सुजुकी बलेनो, और तीसरे कंटेनर में से निकली महिंद्रा की बलेरो, और चौथे कंटेनर में से निकली मारुति की अर्टिगा, और आखिरी कंटेनर में से तो लेटेस्ट मॉडल मारुति की सुजुकी स्विफ्ट। तो फाइनली सभी गाड़ियां अनलोड हो चुकी हैं कंटेनर में से। तो गाइस फटाफट से अब डिलीवरी बॉय को उसकी पेमेंट करके फटाफट से उसको रवाना कर देता हूँ। यार इस बंदे को जब मैं पेमेंट कर देता हूँ तो फाइनली अपनी गाड़ियों को लेके यहाँ से निकल जाता है एक एक करके। तो फाइनली सभी गाड़ियां अनलोड हो चुकी इन कंटेनरों में से। अब बारी आ चुकी इन गाड़ियों को एक बार देखने की, यार इन गाड़ियों में कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, या कोई पार्ट्स तो गायब नहीं है, या कोई पार्ट्स डैमेज तो नहीं है। तो यार सबसे पहले मैं मारुति की स्विफ्ट को चेकआउट कर लेता हूँ। तो गाइस इस स्विफ्ट के अंदर जैसे बैठता हूँ तो यार गाइस इसका जो इंटीरियर है ना बिल्कुल स्पोर्ट कार जैसा है, और तो गाइस इसका जो इंटीरियर है ना ऑल वर्किंग में है। तो यार ये गाड़ी तो बिल्कुल एक्सलेंट कंडीशन में है। तो फटाफट से निकलते हैं स्विफ्ट से और अब जाते हैं अर्टिगा के पास। तो यार जैसे ही मैं अर्टिगा के अंदर आता हूँ तो गाइस इसका भी जो इंटीरियर है ना वो भी एक्सलेंट वर्किंग में है, और तो और गाइस इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। तो यार ये गाड़ी भी एक्सलेंट कंडीशन में है। तो यार चलो फटाफट से चलते हैं मारुति की बलेनो को भी देख लेते हैं। तो जैसे जाकर मैं इसके अंदर बैठता हूँ और इसका जो इंटीरियर है ना पूरा वर्किंग कंडीशन में है, यार ये गाड़ी भी बिल्कुल ब्रांड न्यू रखी है और इसकी जो कंडीशन है वो भी एक्सलेंट है। तो अब बारी आ चुकी है मारुति की ऑल्टो का। तो यार जैसे ही मैं इसको चेकआउट करने जाता हूँ तो यार मैं क्या देख रहा हूँ, उसका जो आगे का बम्पर है ना वो बैंड हो चुका है। तभी ना गाइस मुझे याद आता है कि कंटेनर में से उतारते समय इस गाड़ी में डेंट आ गया था। तो यार इस गाड़ी का जो बम्पर है वो हमें सही करवाना पड़ेगा, नहीं तो यार ये गाड़ी सोल्ड नहीं हो पाएगी। तो यार चलो देखते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। तो यार जैसे मैं इसके इंटीरियर के अंदर आके बैठता हूँ तो उसका जो इंटीरियर है ना वो एक्सलेंट कंडीशन में है। तो यार ये गाड़ी भी एक्सलेंट है, पर इसके जो आगे का बम्पर है ना वो हमें सही करवाना पड़ेगा। तो यार चलो चलते हैं, अब देखते हैं महिंद्रा बुलेरो को। तो यार ये गाड़ी देखने में तो बिल्कुल मस्कुलर है, अगर हम इसको ब्लैक करवा देना तो यार ये माफिया से कम नहीं लगे। तो यार चलो चलते हैं इसका इंटीरियर देखते हैं। तो यार जैसे इसके इंटीरियर के अंदर आके बैठता हूँ तो यार इसका इंटीरियर भी एक्सलेंट कंडीशन में, और इसके जो भी ऑल पार्ट्स है वो भी वर्किंग में है। तो ऑलराइट गाइस, जो पूरी गाड़ी है वो एक्सलेंट कंडीशन में है, और इनके जो पार्ट्स है अंदर वाले वो भी पूरे वर्किंग में है। तो यार अब फटाफट से यार ये सब गाड़ियां तो यहाँ पे अनलोड हो चुकी है। यार अब बारी आ चुकी है हमारी ऑल्टो को थोड़ा रिपेयर करवाने की, क्योंकि यार जो इसको बम्पर है ना वो उतारते समय टूट गया था। अब हम इसको लेके चलते हैं मैकेनिक शॉप पे और उसको वहाँ पे सुधरवाते हैं। तो गाइस इस गाड़ी को अब हमें लेके जाना है मैकेनिक शॉप में, जो कि हमारे बगल में ही है। तो इस गाड़ी को घुमा के थोड़ा लेके जाना पड़ेगा, पीछे वाले रास्ते से इस गाड़ी को मैकेनिक शॉप तक लेके जाएंगे। तो जैसे मैं एंट्री कर देता हूँ पीछे वाले रास्ते से और जैसे मैं आगे जाता हूँ यार मैं क्या देख रहा हूँ कि जो अपनी मैकेनिक शॉप है वो बंद पड़ी है। तो गाइस यार ये शॉप तो बंद पड़ी है, अब हम क्या करें कि यार इसका जो बम्पर है वो सही हो जाए। तभी ना यार मेरे दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना यार मैं दूसरी शॉप पर जाके इस गाड़ी को कम्प्लीट करवा दूं। यार चलो चलते हैं इस ऑल्टो को लेके दूसरी मैकेनिक शॉप में। तो यार चलो देखते हैं कि आखिर इस गाड़ी में कितना बजट आने वाला है इसका बम्पर सही करवाने में, ये तो वहीं जाकर ही पता चलेगा। तो ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस मैकेनिक शॉप पर। तो चलो यार चलते हैं इस गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं। तो यार फाइनली गाइस हमारी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, अब इसको लेके चलते हैं हम फटाफट से अपनी गाड़ियों के पास जहाँ पर इसको हम खड़ी करने वाले हैं फॉर सेल के लिए। तो फाइनली गाइस सभी गाड़ियां कंप्लीट हो चुकी हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। तो अब बारी आ चुकी है इन गाड़ियों को फॉर सेल पे खड़ा करने के लिए।